इंडिया सिनेमा में आजकल फैशन चल रहा है मास सिनेमा का, लेकिन बाहर से देखने में जितना मजा आता है उतना ही मुश्किल है कैमरे के पीछे से बनाना। और अगर इसमें काम करते करते मास सिनेमा बनाने को बोल दिया जाए तो 100 में से 99 लोग फिल्म छोड़ के घर चलते बनेंगे। लेकिन अजय देवगन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वादा है मेरा, अगर आपने 2.5 मिनट का भोला का ट्रेलर देखा है तो दिल से एक ही आवाज निकलेंगी, थैंक यू सर जी, क्योंकि इस फिल्म के बाद बॉलीवुड की इज्जत हमेशा हमेशा के लिए बढ़ने वाली है। अजय देवगन के हमेशा से लोग फैन रहे हैं इनके एक्टिंग स्किल के, लेकिन मेरे लिए हमेशा से एज ए डायरेक्टर के फेवरेट वाली लिस्ट में काफी ऊपर आते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत भोला का नया नया ताजा ताजा ट्रेलर है, जिसने सिनेमा लेवल्स के दिल में 30 मार्च के लिए इंतजार अभी से बढ़ा दिया है। कहानी में सिमिलैरिटी जरूर हो सकती है, लेकिन कहानी दिखाने का तरीका पूरे तरीके से अलग होगा। जिसने ओरिजिनल फिल्म देखी है उसको दोबारा फिल्म देखने में अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत आपने नोटिस की, इसका म्यूजिक डिफिकल्ट एकदम यूनिकल और काफी तोड़फोड़ टाइप का है, स्पेशली यंग ऑडियंस को काफी मजा आएगा। भोला ने उस कमी को भी दूर कर दिया है फिल्म में बनारस वाला फ्लेवर डाल के।